नमस्कार, संगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा दीर्घ संधि के बारे में। हमने पढ़ा कि दीर्घ संधि का विधायक सूत्र अक सवर्णी दीर्घ, अक सवर्णी दीर्घ, अक सवर्णी दीर्घ। ये कहता है कि अक अ ई उ री और ऋ, ये पंचम वर्ण के परे यदि इसका सवर्णी स्वर इसके समान उच्चारण वाला कह सकते हैं, अगर समान उच्चारण वाला स्वर आ जाए तो उन दोनों के परे दीर्घ इकादेश हो जाता है। नियम पहला हमने पढ़ा कि अ या आ के परे अ या आ आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ इकादेश आ हो जाता है। इसका ही दीर्घ संधि का ही दूसरा नियम है कि ई और ई के परे बाद में यानी ई या ई प्लस ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ इकादेश हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ये कैसे, आपके सामने उदाहरण है, उदाहरण है श्री सह, श्री सह। नियम कहता है कि ई आनी चाहिए, ई आ रही है, ये राई आ रही है तो क्या हो जाएगा। अब एक बात और धारणी आपको कि जब आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करें तो दोनों जो पद हैं दोनों पदों का अर्थ सार्थक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, श्री प्लस ईस होगा। ईस क्यों होगा, ईस सार्थक शब्द है और श्री में ई कैसे आएगी, आगे बड़ी आएगी, छोटी ई आ नहीं सकती क्योंकि व्याकरणों ने इसको मौलिक रूप में इसी रूप में स्वीकार किया है तो हमें भी इसी रूप में स्वीकार करना होगा। दूसरा है अतीव, अतीव का क्या करोगे आप, अतीव का हो जाएगा ये आपके ई है, यहाँ से आप सबको अलग करेंगे तो अति प्लस इव, अतीव। इसी प्रकार से रविंद्र का संयुक्त क्या होगा, रविंद्र का हो जाएगा आपका रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। यानी ये पूर्व पद के अंतिम में क्या आ रही है, ई आ रही है, उत्तर पद के पद में क्या आ रही है, ई आ रही है, दोनों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, एकादेश हो जाएगा, एकादेश क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई और ई बराबर क्या हो गई, बड़ी, तो बड़ी ई बराबर आपने कर दी तो क्या हो गया, रविंद्र हो गया। इसी प्रकार कपीस, कपीस का क्या करेंगे आप, कपीस में क्या करेंगे, कपी में ई बड़ी आ रही है, कपीस, कपी से बड़ी करेंगे छोटी करेंगे, कपी के अंदर तो कपी में के से भी छोटी करेंगे, कपी प्लस इस में ई बड़ी तो क्या हो जाएगा, कपीस ई प्लस बड़ी। यानी इसका ये अंतिम स्वर ई है, इसका भी क्या प्रथम स्वर क्या है, बड़ी है, ई प्लस बड़ी, सूत्र के अनुसार ई और बड़ी बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ इकादेश बड़ी। इसी प्रकार से ग्रीस, ग्रीस की आपको संधि करनी है, जहां ऐसे उदाहरण है ये उदाहरण का आपको संधि स्वीकृत करना पड़ेगा या संधि करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ग्रीस का, ग्रीस में देखो इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ग्रीस का, ग्रीस में देखे तो अंतिम वर्ण क्या होगा, तो ग्रीस का अगर इसका वर्ण चित करें ग्रीस शब्द का तो ग्रीस शब्द का वर्ण चित करने पर क्या मिलेगा, अंतिम वर्ण देखो आप ग, ग के बाद में ई, ई के बाद में आपके र और र के बाद में ई, तो अंतिम वर्ण में ई प्राप्त हुआ। और द्वितीय पद में या पर पद का पूर्व में क्या आ रही है, ई आ रही है, दीर्घ का दृष्टि लगा ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिरीश या आपका ग्रीस। इसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा का भी आप देखें इसको तो परीक्षा में भी, परीक्षा में भी या आप देखें ई और बड़ी क्या बन जाएगा, परीक्षा, परीक्षा। नदी का, नदी प्लस ई सह, ई बड़ी है अंतिम वर्ण में और पूर्व प्रथम वर्ण में, बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी क्या बन जाएगा, नदी सह। कवि प्लस ईश्वर, छोटी है के बाद बड़ी है, दोनों को बुलाए बड़ी तो क्या बन जाएगा, कविश्वर, कविश्वर। तो इसी प्रकार ये दीर्घ संधि का दूसरा नियम, पहला नियम अ या आ के बाद में अ या आ तो दीर्घ इकादेश आ हो जाता है, दूसरा नियम ई या बड़ी के बाद में ई या बड़ी तो दीर्घ इकादेश बड़ी हो जाता है। इसी प्रकार से
ये आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि यदि आपके पूर्व पद में पूर्व पद का कौन सा वर्ण अंतिम वर्ण क्या आ जाए उ या बड़ा हुआ जाए और पर पद का या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ क्या बन जाए दोनों विषाद मध्यम का देश बड़ा उ हो जाता है। पहला उदाहरण देखो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय आपका ये प्रथम पद है पूर्व पद है ये पर पद है द्वितीय पद है। आपको मैंने कल भी कहा था फर्स्ट का लास्ट लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट क्या है किसकी मात्रा आ रही है कौन सा वर्ण आ रहा है कौन सा स्वर आ रहा है उ आ रहा है भानु भी कौन सा आ रहा है उ आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका उ प्लस उ बड़ा उ तो क्या बन जाएगा भानुदय क्या हो गया भानुदय। इसी प्रकार से विष्णु प्लस उदय क्या करेंगे विष्णु प्लस उदय का आप विष्णु में ये पूर्व पद ये पर पद पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है उ आ रहा है भानु में क्या आ रहा है उ आ रहा है उ और बड़ा उदय क्या बनेगा विष्णुदय विष्णुदय। इसी प्रकार लघु प्लस उत्तर देखें आप लघु प्लस उत्तर में लघु में वो छोटा फिर भी आगे भी उत्तर पद में भी छोटा है दोनों उत्तर को और क्या बनेगा लघुतर लघु वधु प्लस उत्सव पूर्व पद का अंतिम वर्ण में बड़ा हुआ आएगा फिर बाद में क्या आ रहा है उ आ रहा है उ बड़ा उ प्लस छोटा उ इन दोनों के स्थान पर दीर्घ का देश बड़ा उ प्लस छोटा उ क्या हो जाएगा बड़ा उ तो क्या बन जाएगा वधुत्सव वधुत्सव वधुत्सव। इसी प्रकार नेक्स्ट आपको उदाहरण है लघुर्मी, लघुर्मी में क्या हो जाएगा लघुर्मी में आप देखें इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो संधि करने के लिए आपको यहाँ पर लघुर्मी आपके दीर्घ की पहचान क्या है दीर्घ की पहचान ये है कि यदि किसी भी शब्द में आ ई उ और वी ये वर्ण मिलते हैं वहां संधि निषाद्रिक संधि होती है या आपकी बड़ी उ आ रही है बड़ा उ आ रहा है क्या हो जाएगा लघु और लघु कैसा होगा छोटा होगा छोटी उमा रहेगी और उर्मी में कैसे आ जाएगी बड़ी तो क्या हो जाएगा लघु प्लस उर्मी उर्मी लहर तो क्या हो जाएगा लघुर्मी। भुर्जा में क्या हो जाएगा भुर्जा में आप मैंने कहा ना पहचान किससे होगी बड़े उ से ये रहा बड़ा उ तो क्या हो जाएगा भू और भू भूमि और भूम प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा भुर्जा। इस प्रकार से आपकी ये संधि हुई वापस देखें तो भानुदय विष्णुदय लघुतर वधुस्व लघुर्मी भुर्जा और अब आपके तीन नियम दीर्घ संधि के चार नियम है तीन हो गए पहला हो गया और या आपके बाद में या पुरुषा ई या ई वाला तीसरा उ और उ वाला और इसका एक अंतिम नियम एक और आए और नियम है री वाला तो उसका नियम कैसा देखो आप तीसरा अगला नियम दीर्घ संधि का नियम है चार। नियम चार ये कहता है कि यदि आपके पूर्व पद में री या बड़ी री आ जाए और पर पद में री या बड़ी री आ जाए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा री हो जाएगा यानी री एक आदेश हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण है एग्जाम आए पित्री प्लस रिकार पित्री प्लस रिकार पित्री प्लस रिकार दोनों को मिलाए री और री बड़ी री तो क्या हो जाएगा पित्रिकार पित्रिकार। इसी प्रकार से मातृ प्लस ऋण मातृ प्लस ऋण तो क्या होगा मातृ प्लस ऋण का मातृण क्या होगा मातृण यानी री और री आपस में मिल रहे हैं होत्री प्लस ऋकार आप देखेंगे होत्री प्लस ऋकार तो क्या होगा होत्रिकार
इस प्रकार से आप देखते हैं कि दृक् संधि के चौथे नियम में री या बड़ी री के बाद में री या बड़ी आने पर दोनों के स्थान पर दृक् एकादेश हो जाता है और दृक् एकादेश में होती प्लस इकार होती कार। इसी के साथ आपके दृक् के चार नियम, पहला नियम था अ वाला, दूसरा ई वाला, तीसरा उ वाला, चौथा री वाला। इन सब के साथ में यदि आपके अ या आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए और री आ जाए तो इनका दृक् एकादेश होकर के बड़े बन बनते हैं। तो दृक् की पहचान ये है, आपके यदि किसी भी आपके पद के अंदर आ ई उ और बड़ी री की मात्राएं दिखे वहां संधि हमेशा दृक् संधि होती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। गुण संधि में आपके पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, इसका विजय सूत्र। इसका विजय सूत्र क्या है, आप हेडिंग लगाएं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा कहें या इसका संज्ञा सूत्र, परिभाषा या गुण संधि संज्ञा सूत्र, वो है आपका अदैन गुण। क्या है अदैन गुण? अदैन गुण क्या कहता है? अदैन गुण, अदैन गुण ये कहता है कि आपके अदैन गुण अत और एन मैं सूत्रों के आधार पर जितने भी गुण वर्ण है, 40 50 वर्ण है, 45 वर्ण है, उन वर्णों में कौन कौन से जो वर्ण है वो गुण माने गए हैं। तो तीन गुण माने गए हैं, एक आपका अ, एन प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं, ए और ओ, इन तीनों को ही गुण माना गया है। फिर ये तीन गुण होते हैं अदैन गुण में, एक एन अ ए और ओ, इन्हें तीनों को गुण माना गया है। इसके बाद में आपकी बात करें कि इसका गुण संधि विधायक सूत्र, गुण संधि विधायक सूत्र में क्या है, गुण संधि विधायक विधायक सूत्र, गुण संधि विधायक सूत्र में है आपका आद गुण, आद गुण, आद गुण। ये कहता है, ये कहता है कि यदि आपके इसके अ अ वर्ण के परे एक एक यानी एक प्रत्यय में ई उ री री, यदि अ वर्ण के परे एक ई उ री री इन वर्णों का आगम होता है तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर अ वर्ण के परे एक वर्ण आने पर अ वर्ण के परे एक ई उ री और री वर्ण आने पर पूर्व व पर पद के पर वर्ण के स्थान पर वर्ण के स्थान पर वर्ण के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है। वापस एक बार रिपीट करा मैं, गुण एकादेश हो जाता है। कैसे? वापस पहला आपके गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या है, अदैन गुण एट प्लस एन ए ओ और ए अ ए और ओ, ये तीन ही गुण वर्ण माने गए हैं। तीनों ही क्या है, गुण वर्ण है, ये तीनों ही गुण वर्ण है। और फिर का संज्ञा सूत्र क्या है, आद गुण। क्या कहता है, अ वर्ण के परे एक, क्या कहते हैं, ई उ री और री वर्ण आने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है। तो मान लो आपके इस अ के बाद में ई आए
अ के बाद में उ आए, ई उ, फिर अ के बाद में री आए और अ के बाद में परे आके री आए। इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आगा गुण एकादेश हो जाएगा। अब गुण एकादेश कैसे होगा, आप देखें कि तीन गुण हमारे पास में, एक अ है, ए है और ओ है, तो अ के बाद में ई आने पर कौन सा गुण होगा, अ होगा, ए होगा या ओ होगा, कौन सा होगा? तो हम देखते हैं कि इस अ का जो उच्चारण स्थान है वो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का क्या है तालु है, और एक जब पढ़ते हैं उच्चारण स्थान वाचा उच्चारण के साथ कदा भी चलती है तो उच्चारण पढ़ते हैं अ ई कंठ तालु, ए तौ तो कंठ तालु, तो इसका क्या हो जाएगा ए, यानी कि अ अ के बाद में परे ई आने पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश ए हो जाता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट देखें आप अ के बाद में उ, अ को संसर्ग कंठ है, उ का ओष्ठ है, तो क्या हो जाएगा ए ओ दव तो कंठ ओष्ठ, तो आपका इसका जो गुण है अ के बाद में उ आने पर उसका गुण क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इन दो गुण हो गए लंत में दोनों अ के बाद में री और अ के बाद में री, और जब भी अ के बाद में री आएगा तो इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश अ तो होता ही है और साथ में जब जब री आता है उस री के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा र हो जाएगा। इस बात का ध्यान, कहीं भी अगर री के स्थान पर आपको गुण करना है क्या करना है र ही करना है, और शिक्षा में अ के स्थान पर क्या करेंगे आप अ के साथ बाद में री आने पर क्या कर देंगे अ का अ हो जाएगा, री के स्थान पर हमेशा क्या करेंगे गुण ल करेंगे, तो री का ल करेंगे री का ल करेंगे, ये इसकी पहचान है और ये इसका है। अब बस एक बार देख सकते हैं गुण संधि, गुण संधि का क्या है, इसका सूत्र अध्ययन गुण, गुण संधि का उद्देश्य सूत्र क्या है, आद गुण क्या कहती है, अ वर्ण के परे इक ई उ री और ऋ इक प्रत्यय वर्ण आने पर पुरु और पर वर्ण के स्थान पर गुण आदि हो जाता है। गुण कितने हैं आपके, गुण तीन है, मैं सूत्र के अनुसार अ ए और ओ, अ के बाद में ई उ री ऋ, क्या उसे जानना ई के साथ बड़ी ई बड़ा उ री और ली, ये सभी शामिल है। तो धन्यवाद, नमस्कार।